अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई साहब भी टाइम हुआ है, अभी 9:30 हुए हैं और अभी उठा हूँ मैं सो के। तो यार अभी जाना है नीचे, पहले सबसे पहले गांव में हमने नाश्ता करना है नीचे जाके। तो चलो यार पहले चलते हैं हम नीचे नाश्ता करने। तो भाई साहब अभी हम खाने लगे हैं यार, ये चने की दाल है, दूध है और ये चाय। तो यार अभी मैं आया हूँ नीचे से नाश्ता करके ऊपर कमरे में, और यार अभी जाना है हमने नीचे प्लाट में देखना है कि यार चूजों को नहीं खोला हुआ, चूजे भी खोल रहे हैं और सिम्बा जो है उसको भी बंद करना है। तो भाई साहब अभी मैं आया हुआ हूँ प्लाट में, अरे सिम्बा के काम चेक करें। इसको कल खोल दिया था मैंने क्योंकि बारिश थी, मैंने कहा चल यार तू भी जिंदगी जी ले, तू भी खुला रहे, मुझे कर जो भी करना है तू कर। तो यार ये अभी चूजों को खोला है मैंने बाहर, और ये सिम्बा ने ड्रामे लगाए हुए हैं, इसके काम चेक करें यार। चलो यार इसे खोला हुआ था मैंने क्योंकि इतने दिन हो गए यार, ये बंदा रहता है अभी फजूल बंदा रहता है बेचारा, मैंने कहा यार इसे भी खोल देते हैं। और ये चूजों के लिए यार लाया था मैं, इसे क्या कहते हैं, छिलके थे सब्जियों के, तो वो चूजों को डाले हैं और इसने ड्रामा लगाया हुआ। इसको भी अभी बांधता हूँ यार मैं। तो यार ये ना अभी मैं लेके आया हूँ गंदम चूजों के लिए, चूजे बेचारे मतलब वो छिलके ही हैं, वो नहीं इतने ज़्यादा शौक से खाते क्योंकि गंदम ये पड़ी हुई होती है, ये ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो यार ये मैं लेके आया हूँ, मैंने कहा यार इनको अंदर डाल दूँ, ये गंदम भी डाल दी, अभी आएंगे चूजे नस्ते हुए अंदर जाएंगे यार। एक सिम्बा ने इन्हें डराया वह, सिम्बा आराम सुकून से बैठ जा यार, किधर तेरे से बैठने भी नहीं होता। तो गिलास है यार खुदा के बंदे, कोई खाने की चीज़ नहीं है, इधर आ यार तुझे बांधूँ। तो दोस्तों मैं ज़रा इसे बांध लूँ फिर आपको मिलता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए दोस्तों, तो इनको बांध लिया, सिम्बा को बांध लिया मैंने। यार ये एक मुर्गी यहाँ बैठी हुई है, इसको पता नहीं को यार इसकी बीमारियाँ आई, बीमारी आई हुई है, पता नहीं क्या मसला है यार इसको, ये भी बेचारी इधर ही बीमार हुई हुई है बहुत ज़्यादा, तो पता नहीं क्या हुआ है यार, पहले भी एक मुर्गी मर गई है यार इसी तरह, पता नहीं यार कौन सी बीमारी आई हुई है यार चूजों में मुर्गियों में, पता नहीं अल्लाह ही जाने। तो यार अभी मैंने ना चूजों को बंद कर लिया है क्योंकि मतलब बाहर इसीलिए नहीं खोल रहा यार क्योंकि बीमारियां आई हुई हैं, तो समझ नहीं लगता यार क्या होता है क्या नहीं होता, फिर एकदम ही बीमार होने लग जाती हैं चूजे भी मुर्गियां भी, तो फिर और मर जाती हैं। फिर कल भी परसों भी एक मुर्गी मर गई है यार हमारी, वो अंडे देने वाली मुर्गी थी यार, बड़ी अच्छी मुर्गी थी, रोज का अंडा तो मिलता था ना यार, जीबो गरीब काम हुआ बीमारी आई यार कड़ाया हो गई। तो यार अभी मैं आया हुआ था ऊपर कबूतरों को ना दाना शाना डालने और पानी शानी डालने के लिए खोलने के लिए आया हुआ था कबूतरों को, तो अभी दादा वो कहते हैं कि कमरा जो है ना ये वाला कमरा जो है ये जिसमें ना किधर से ऊपर से पानी जाता रहे कमरे में, और ये जो त्रोड़े पड़े हुए थे ये चेक करें, ये सारे गंदम के तो जो भी त्रोड़े हैं वो सब गीले शीले हो गए, तो इसलिए अभी ये त्रोड़े पड़े हुए हैं ये चेक करें, इतने ज़्यादा त्रोड़े हैं इनको रखा हुआ धूप में के। तो भाई साहब अभी जो हमारा काम है ना, हमने ये जो बेड है ना ये गया है फटा, इसका ये फटा टूट गया है और अभी हमने जोड़ना है इसे, इसको निकालते हैं हम बाहर। तो यार ये अभी निकाला है बाहर, इसको यहाँ लगानी है फटियाँ, ये गया है देखे ना, ये क्रैक हुआ है अभी, ये क्रैक हुआ है यार अभी, इसको ये फटियाँ यहाँ से निकालते हूँ पेटी की और लगाता हूँ इसको यहाँ पर करके, ये करके इसको यहाँ लगेगी ताकि यार ये फिर दोबारा ना उखड़ जाए। तो अभी इसके लिए यार मैं अभी ढूंढ रहा था कीलें तो नहीं मिली यार, क्योंकि इसके लिए छोटी कीलें चाहिए, कीलें बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी बड़ी कीलें हैं, तो इसके लिए अभी जाना पड़ेगा बाज़ार से लानी पड़ेंगी कीलें। तो चलो यार मैं जरा कीलें पता करके आता हूँ फिर मिलता हूँ आप। तो यार ये पड़ी हुई हैं थोड़ी बहुत कीलें, ये चेक करें, ये छोटी छोटी कीलें पड़ी हुई हैं, इन्हीं से ही गुजारा चलाते हैं क्योंकि फिर बाहर जाना पड़ेगा और बाहर जाके फिर टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसीलिए पड़ी भी जो है इन्हीं से गुजारा चलाते हैं अभी हम। तो करते हैं अभी ये थोड़ी उठाई हुई है, तो
तो इसको इसके साथ मफलर लगाना है, तो देखो चलते हैं करते हैं। मतलब तो यार ये जो कीलें हैं ना ये, और तो यार अभी जा रहा हूँ मैं बाहर कीलें लेने, क्योंकि ये जो कीलें हैं ना ये कीलें बहुत पतली हैं और इन्हें जंग लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसको थोड़ी मारो तो टेढ़ी हो जाती हैं। तो अभी फिर इसके लिए दूसरी ब्रिंजियाँ ही लानी पड़ेंगी बाहर से। तो चलो यार चलते हैं बाहर, अभी वहाँ से लेके आते हैं ब्रिंजियाँ। तो यार अभी नीना नीचे से पता किया दुकानदार से, उसके पास नहीं है, तो अभी जा रहा हूँ भाई साहब मैं ऊपर चौक वाली साइड पर। यार बहुत गर्मी है, पैदल जा रहा हूँ, बाइक भी नहीं है। बाइक को लेके गया हुआ है हादी, क्योंकि उसका पेपर था प्रैक्टिकल है, तो वो लेके गया होगा बाइक। तो भाई साहब अभी गर्मी में जलील होना पड़ रहा है। तो यार ब्रिंजियाँ जो है वो मिल गई है बड़ी मुश्किल से, शोर भी बहुत है यार, आवाज़ भी पता नहीं कैसी आ रही होगी, माइक भी नहीं लगाया हुआ मैंने, तो इसीलिए। तो ब्रिंजियाँ मिल गई हैं यार, ये क्या करें, ये ले ली हैं ब्रिंजियाँ भी हमने। और गर्मी भाई साहब इतनी हो रही है ना, इतनी गर्मी हो रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ यार, काम ख़राब ही नज़र आ रहा है भाई साहब। तो यार चलो मैं आपको ना घर में जाके मिलता हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसको भी जोड़ना है। उसके बाद दादा भी कह रहे थे कि बिल के लिए जाना है यार, बिल जमा करवाने हैं। तो चलो चलता हूँ, फिर मैं मिलता हूँ। तो यार ये कीलें चेक करें, मिल गई हैं कीलें, लेके आई हूँ अभी। इतनी गर्मी है ना यार बार, उफ़ क्या बताऊँ मैं आपको। तो यार अब जोड़ते हूँ मैं उसको, फटियाँ यहाँ से ना, इधर से फट्टी उतारनी पड़ेगी, ये भी फट्टी उतरी हुई है, उसको उतारते हैं, ये फटियाँ उतार के फिर मैं मिलता हूँ आपको। यार पहले फटियाँ उतार लूँ ना, फिर मिलता हूँ मैं आप। तो यार ये एक साइड से ना लगा ली हैं फटियाँ लगा के कीलें लगाई हैं, अब ऐसे ही दूसरी साइड पर लगाने हैं। तो यार अल्हम्दुलिल्लाह यार ये चेक करें, बड़ा VIP हो गया, फिट हो गया अब। क्योंकि यार यहाँ से इसको लगी दड़ाड़ आई भी थी, बताया जो मैंने आपको पहले, इसको यहाँ पे फटियाँ लगाई हैं, ये चेक करें, ये यहाँ से ना टूट गया था, तो इसलिए इसको दोबारा रिपेयर किया। तो भाई साहब काम पूरा हो गया हमारा, कसम से मैं कहता हूँ कि अब VIP हो गया। अब ये चेक करें, अब इसके ऊपर खड़ा हूँ, ना कोई फ़र्क है ना कुछ है, सही टाइट हो गया, फिट हो गया काम, तो काम हो गया, यस। तो भाई साहब अभी जो सामान पड़ा है ना, इसको रख लूँ मैं वापस बैग डब्बे में, क्योंकि फिर भी ज़रूरत पड़ जाता है ना यार, तो सफाई निफ्तमान है, साफ सुथरा करना है अभी ये। तो अभी आ रहा हूँ यार नीचे से, खाना खा के टाइम हो रहा है, 2 का टाइम हो रहा है, तो अभी खाना खाया, बहुत काम कर लिया यार आज हमने, तो इसलिए। तो यार अभी आया हूँ मैं छत पे, कबूतरों वाली छत पे आया हूँ, और कबूतरों को दाना शाना डालने के लिए। आज मौसम भी यार नॉर्मल है,
क्योंकि कल से पिछले दिन सही धूप निकली थी, सही गर्मी थी, कल कोई थोड़ी सी बारिश होगी, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आज मौसम थोड़ा बहुत बेहतर है, आज भी हवा हल्की हल्की चल रही है, बादल आए हुए हैं यार, तो काम अच्छा ही है, ठीक ही है काम। तभी आया हुआ था मैं यार, मैंने क्या कबूतरों को दाना शाना डाल दूँ, ऊपर इंतज़ार कर रहे होंगे, तो वही आया हुआ अभी ऊपर छत पे। तो यार कबूतरों को दाना शाना डाल दिया है और अभी मैं जा रहा हूँ नीचे, फिर मुलाकात होती है फिर आप लोगों से।